सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। वीडियो में जो वर्कशीट देख रहे हैं आप लोग प्यारे बच्चों, ये क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस मिशन कोशिश के तहत तैयार की गई वर्कशीट है। आइए देखते हैं इसमें एक्टिविटी। फर्स्ट, diseases that are caused due to the lack of nutrients in diet are called deficiency diseases. Measure the disease with respective vitamins deficiency. भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाली बीमारियों को न्यूनताजन्य या हीनताजन्य रोग कहते हैं। नीचे दिए गए रोगों का संबंधित विटामिन न्यूनता से मिलान कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी दो कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ पे कॉलम ए में दे रखे हैं डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इससे पहले आप लोगों को मैं पिछले कई वीडियो में न्यूट्रिएंट्स की जानकारी दे चुका हूँ, उसी का एक पार्ट है ये विटामिन्स, जिसमें विटामिन्स होता है ए बी सी डी ई के। अब देखते हैं इसमें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है भाई। यहाँ पे देखो डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन देख रहे होंगे आप, विटामिन डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन की कमी से गोइटर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी बेरी बेरी। डिफिशियंसी ऑफ आयरन से एनीमिया। इस तरह से प्यारे बच्चों आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी पे हल करना है। इसमें एक्टिविटी नंबर 2 देखिए लिखा है, राइट डाउन 2 फूड आइटम्स दैट आर रिच इन द गिवन न्यूट्रिएंट्स। दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नांकित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट, जो हम भोज्य पदार्थ लेते हैं उनमें मुख्यतः न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल। तो कार्बोहाइड्रेट किस किस में पाया जाता है प्यारे बच्चों? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है राइस और पोटैटो में। अगला है इसमें प्रोटीन्स, प्रोटीन्स पाया जाता है मिल्क और फिश में। फैट्स, फैट्स पाया जाता है बटर और घी में। विटामिन्स आमला और कैबेज। मिनरल्स पाया जाता है एप्पल और स्पिनेच में। मिटाते हैं प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप भली भांति समझ चुके होंगे। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स किस किस में पाया जाता है उसके लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स चार्ट है। देखिए आप, ये देखिए ये न्यूट्रिएंट्स चार्ट है, देख पा रहे होंगे आप। देखिए अब कार्बोहाइड्रेट जो मैंने लिखा है उसके अलावा किस में पाया जाता है? फ्लैक्स है, ब्रेड है, पास्ता है, इसके अलावा स्वीट्स, जितने भी मिठाइयाँ भाई हमारी स्वीट्स, मिठाइयों में, शुगर केन में, चुकंदर में, इनमें क्या पाया जाता है प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद चलते हैं हम प्रोटीन्स, प्रोटीन किस किस में पाया जाता है? मीट, फिश, एग्स, बीन्स और जितने भी पल्सेस होती हैं हमारी दालें, सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद अगला है फैट्स, फैट्स किस किस में पाया जाता है? ये देखिए फैट्स, फैट्स किस में पाया जाता है? बटर, घी, पनीर, चीज़, इनमें क्या पाया जाता है? फैट्स पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम कह सकते हैं बादाम और कोकोनट, नारियल में, मूंगफली में प्रचुर मात्रा में फैट्स पाए जाते हैं। विटामिन्स
विटामिन्स, देखिए भाई ये विटामिन्स और मिनरल्स का सोर्स वाले चार्ट है यहाँ पे, ये देखिए आप सारा। इसमें देखिए जितने भी हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं सब में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लेमन है, कैबेज है, यहाँ पे बनाना है, पीज है, ब्रोकली है, एप्पल है, ग्रेप्स हैं, कैरेट है, पोटैटो है ना, गुआवा है, अमरूद, संतरा, प्याज, इस सब में क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स एंड विटामिन। आप और उदाहरण चाहे तो इस चार्ट से ले सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूट्रिएंट्स चार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये न्यूट्रिएंट्स चार्ट, इसमें कार्बोहाइड्रेट का चार्ट है, देख पा रहे होंगे। इसमें भी देखो पोटैटो, राइस, व्हीट, पास्ता, ये वही चार्ट है, इससे आप मदद ले सकते हैं वहाँ। ये प्रोटीन का, ये फैट का, ये मिनरल एंड विटामिन्स का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करने से आपको वो जो मैं अपलोड या वीडियो डालूंगा अपने चैनल पे, आप लोगों का इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को, ये मिशन कोशिश की, देख पाएंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।